वेलकम टू एचआरडी पीसीएस एजुकेशन। आज हम लोग जो है करंट अफेयर की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फीफा क्या है। फीफा जो है एक फुटबॉल का एसोसिएशन है, फुटबॉल का संघ है, जिसका पूरा नाम होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये इसका जो पूरा नाम है ये फ्रेंच के द्वारा दिया गया है, फ्रांस के द्वारा दिया गया है। और इसका अगर इंग्लिश वर्जन में इसका नाम देते हैं तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। अब हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। फीफा की स्थापना 1904 में बहुत पहले ही की गई थी, लेकिन ये 1930 ईस्वी में आईओसी से अलग होकर के अपना अस्तित्व तो अलग बना लिया। ये आईओसी क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इससे अलग होकर के 1930 से ये अपना अस्तित्व तो अलग बनाए रखा। और उसके बाद जो है ये अपना समिति जो है आगे बढ़ाता रहा। फीफा जो है प्रत्येक चार वर्ष पर अपना आयोजन करता है, और ये 2022 में इसका आयोजन कतर में हुआ। कतर जो है एक फारस की खाड़ी में स्थित एक देश है। सबसे पहले देखते हैं जो कतर है, ये कतर किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कतर जो है बहरीन और यूएई के साथ सीमा साझा करता है। कतर के पास जो है फारस की खाड़ी स्थित है, फारस की खाड़ी है, और ये फारस की खाड़ी जो है ओमान की खाड़ी दोनों को जोड़ने वाली हार्मुज जल संधि काम करती है। कह सकते हैं कि हार्मुज जल संधि जो है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। कतर की जो मुद्रा है वो कतारी रियाल है। इसके पहले 2022 के पहले 2018 में इसका आयोजन रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में इसका आयोजन हुआ था, और उसमें फ्रांस जो था विजेता था। 2018 में फ्रांस विजेता रहा, और उपविजेता के रूप में क्रोएशिया था। 2022 में विजेता टीम जो है वो अर्जेंटीना है। कौन है, अर्जेंटीना, और उपविजेता टीम जो है वो फ्रांस है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके 4-2 से हराया, 4-2 को 4-2 से जीता है फ्रांस को हरा करके। फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख है। कहाँ है, ज्यूरिख। ये ज्यूरिख कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। अब 2018 में तो फ्रांस जीती थी। 2018 में जो आयोजन था वो रूस में था, 2022 में आयोजन था कतर में हुआ, और 2026 में जो इसका आयोजन होगा वो कहाँ होगा, यूएसए में होगा, कनाडा और मैक्सिको। ये अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है उसी के जो देश हैं यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों देश जो है वहाँ पर होस्ट करेंगे। अर्थात इन्हीं तीन देशों में फीफा वर्ल्ड कप 2026 आयोजित की जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो शुभंकर है वो लाइव है। क्या है, लाइव, LAEEB, जिसका फ्रांस भाषा में अर्थ होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। फ्रेंच लैंग्वेज में इसका अर्थ होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में आयोजित हुआ था 2022, वो लुसेल नामक स्टेडियम में हुआ था। उस स्टेडियम का नाम था लुसेल। क्या था, लुसेल।
अभी तक जो है फीफा को अर्जेंटीना ने 3 बार जीता है, अभी तक जो है फीफा को अर्जेंटीना ने 3 बार जीता है। एक बार पहली बार 1978 ईस्वी में जीता, फिर 1986 में जीता, और अभी 2022 में अर्जेंटीना विजयी रहा। अर्जेंटीना अभी तक 3 बार जीता है। इसका जो अनावरण था अर्थात फीफा वर्ल्ड कप का जो फाइनल था, उस समय अनावरण करने के लिए भारत की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को आमंत्रित किया गया था। दीपिका पादुकोण वे 17 दिसंबर को इसका अनावरण की थी, और भारतीय मूल के या कह सकते हैं भारत की ये पहली महिला हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप को अनावरण किया है फाइनल में। फीफा वर्ल्ड कप को जीतने वाले लोगों को कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट और गोल्डन ग्लव्स, ये तीनों ही पुरस्कार दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये। PCS हो गया, RO-ARO हो गया, या वनडे लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उसमें मुख्य रूप से ये पूछे जाने की संभावना इसकी बढ़ जाती है। बता देते हैं अर्जेंटीना के तरफ से जो कप्तान थे उनका नाम था लियोनेल मैसी। फुटबॉल अर्जेंटीना फुटबॉल के जो कप्तान थे वो लियोनेल मैसी थे, उन्हीं को ही गोल्डन बॉल से पुरस्कृत किया गया। और गोल्डन बूट का पुरस्कार MBP को दिया गया है, ये फ्रांस से थे, अर्थात फ्रांस फुटबॉल की तरफ से खेल रहे थे, उन्हीं गोल्डन बूट से पुरस्कृत किया गया है। कौन थे? MBP। गोल्डन ग्लव्स से मार्टिनेज को नवाजा गया है। ये अर्जेंटीना के थे। कहाँ के थे? अर्जेंटीना के थे। बेस्ट प्लेयर के श्रेणी में आते हैं लियोनेल मैसी। लियोनेल मैसी के द्वारा ही अर्जेंटीना ने ये खिताब अपने नाम किया है। लियोनेल मैसी को ही बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है। फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी का पुरस्कार जो है इंग्लैंड को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड को जो पुरस्कार मिला है वो फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हम बता देते फीफा में जो विजयी देश था जिसको ट्रॉफी मिली उन्हें 144 करोड़ रुपए ट्रॉफी के रूप में दिया गया। अब ये सब जो था ये फीफा के बारे में था। अगले जब वीडियो में हम आएंगे तो कुछ अलग से जो घटनाक्रम रहेगा आगे के, जैसे Agni-5 हो गया है, तमांग मुद्दे पर भारत की क्या राय थी, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस फीफा में बस हम यही इतना। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं। इसके लिए धन्यवाद।